और कांजी राम जी का सपना अधूरा का अधूरा रह गया है। और बहुजन की बेटी हो आप, कांजी राम जी की बेटी हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेटी हो, पूरे बहुजन समाज की बेटी हो, आपको इस वीर कर्म को आगे बढ़ाना होगा। कांसी राम जी के मिशन को, कांसी राम जी के सपना को पूरा करने का काम अब आपको करना होगा। ये मैंने कहा तो सावित्री बाई फूले ने ओके, उन्होंने कहा ओके मैं तैयार हूं। सावित्री बाई फूले तैयार हो गए, और आप लोगों ने सुना होगा सावित्री बाई फूले ने अपने संसदीय भाषण में लोकसभा में अभी उन्होंने बोला कि मैं बहुजन समाज की बेटी हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं शपथ लेकर के आया हूं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था के तहत हम चुन करके चुनाव जीत करके आए हैं, लोकसभा में आए हैं, और सभी लोग हम शपथ लेते हैं भारत के संविधान की। और भारत के संविधान की जब शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक हम रहेंगे, भारत के संविधान के मुताबिक हम काम करेंगे, भारत के संविधान में जो व्यवस्था है वो जनता तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। इन्होंने स्पीच दिया है, यूट्यूब खोल करके आप देखिएगा, सावित्री बाई फूले ने बोला है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत का संविधान में व्यवस्था दिया है वो व्यवस्था लागू होना चाहिए, संविधान संपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और आरक्षण का कोटा संपूर्ण रूप से पूरा होना चाहिए। यही मांग थी सावित्री बाई फूले ने, यही मांग रखा लोकसभा में रखा। सावित्री बाई फूले की मांग को अनसुनी किया गया, बल्कि अनसुनी ही नहीं, सावित्री बाई फूले के दूसरे नजर से देखना शुरू कर दिया गया, दूसरे नजर से देखना शुरू कर दिया गया। सावित्री बाई फूले को एहसास हुआ ये तो संविधान वो लोग मानने वाले नहीं है, संविधान में दी गई व्यवस्था के लागू करने वाले लोग नहीं है। सावित्री बाई फूले ने लोकसभा और लोकसभा के बाहर जब इनको पता चल गया, सावित्री बाई फूले को सावित्री बाई फूले एक मीटिंग में गई, वो आरएसएस की मीटिंग थी, और सावित्री बाई फूले का ये वस्त्र देख करके आरएसएस के लोग सोचते थे कि ये तो साध्वी है। सावित्री बाई फूले के सामने वो बात आ गई, लगता भाई संविधान की समीक्षा होना चाहिए, उस मीटिंग में संविधान की समीक्षा होना चाहिए और आरक्षण की जो व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए। ये दो बातें जब सावित्री बाई फूले को सुना, ये मीटिंग से वापस आकर के जब इन्होंने बताया कि आज की मीटिंग में जब मैंने पूछा कि क्या मीटिंग में हुआ, आरएसएस की मीटिंग में गई रहो क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि वो तो संविधान खत्म करने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। हमने कहा कि आपको अब चुप नहीं रहना है, इसलिए चुप नहीं रहना है कि अंदर की बात हमारे बहुजन समाज को पता नहीं है, अंदर आरएसएस क्या करता है, बीजेपी सरकार मोदी की सरकार क्या करने जा रही है। जब आपको अंदर की बात पता हो गया है तो पूरे देश में बहुजन समाज को बताना होगा, बहुजन समाज को आगाह करना होगा अपने अधिकार के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति सबको आगाह करने की जरूरत होगी, सबको आगाह करने की जरूरत है। सावित्री बाई फूले ने आंदोलन किया है, आप लोगों ने देखा है पूरे भारत में जाकर आंदोलन करने का काम किया है, ये आंदोलन करने का काम किया। और सावित्री बाई फूले को जब लगा कि हमारी बात को ये नहीं मानते हैं और इस पार्टी में रह करके इनकी हम गुलामी कर रहे हैं, हम गुलामी नहीं करेंगे, यदि हम गुलामी करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, मानवर कांशी राम जी की और पूरे भारत के बहुजन की हम गुलामी करेंगे, इनकी हम गुलामी नहीं करेंगे। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लात मार दिया, किसके लिए, किसके लिए लात मारा, किसको शासन सत्ता काटता है, किसको पैसा काटता है, किसको कुर्सी काटती है, कौन नहीं बनना चाहता है, लाखपति करोड़पति अरबपति कौन नहीं बनना चाहता है, कौन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठना नहीं चाहता है। लेकिन सावित्री बाई फूले ने इसको नहीं देखा, सावित्री बाई फूले ने कहा कि मानवर कांशी राम जी का जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। जो मानवर कांशी राम जी चाहते थे कि संविधान लागू हो, मानवर कांशी राम चाहते थे कि संपूर्ण आरक्षण का कोटा लागू हो,
मानवर कांसी राम चाहते थे कि सबकी भागीदारी हो। मानवर कांसी राम जी का नारा सावित्री बाई फूले ने जब दोहराया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको लेकर के सावित्री बाई फूले आपके पूरे भारत में आए, आपके इस लखनऊ में कई रैलियां इन्होंने किया है, इनके नेतृत्व में कई कार्यक्रम किए गए हैं। साथियों, मैं जानना चाहता हूं इस आंदोलन को जब कोई दूसरी पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टियों में वही लोग बैठे हैं। अब वो लोग बैठ करके पार्टी चला रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं। यदि नहीं जानते हो, यदि चाहते हो कि बता दो, तो मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन पार्टी किस तरीके का काम कर रही है, किस तरीके से आरएसएस की मदद कर रही है, कितना छिप करके आरएसएस की मदद कर रही है और अपना मदद ले रही है। यदि आप लोग चाहोगे तो मैं खुलासा भी कर दूंगा, लेकिन यदि आप जानते हो तो चाहो ना जान करके रह जाओ, अब अनजान ना बनो। यदि जान गए हो तो अनजान नहीं बनना चाहिए। सावित्री बाई फूले ने सोचा कि कोई भी ऐसा मंच नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा है जहां बहुजन की बात हो, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां संविधान की बात हो, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां आरक्षण की बात हो, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां अमीर गरीब की बात हो, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां बराबरी की बात हो, कोई ऐसा मंच नहीं है गरीबों के जमीन बांटी जाए, कोई ऐसा मंच नहीं दिखाई दे रहा है। तब सावित्री बाई फूले ने यह तय किया कि अब हम दूसरे के मंच पर, जब हम अपनी बात खुल करके नहीं बोल सकते, अपनी समाज की बात खुल करके नहीं कह सकते, अपनी समाज की हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम संविधान को नहीं बचा सकते, हम आरक्षण को कोटा को नहीं पूरा करा सकते, तो हमको अब जनता के बीच में जाना चाहिए, बहुजन के बीच में जाना चाहिए और बहुजन का समर्थन हमको प्राप्त हो। अब बहुजन यदि समर्थन करता है तो हम अपना मंच बना करके हम काम करेंगे और वो काम करेंगे जो बाबा साहब का सपना था, वो कांसीराम का सपना था, गौतम बुद्ध जी का सपना था, उस सपने का हम पूरा करेंगे। तो मैं तो जानना चाहता हूं, क्या आप लोग समर्थन करते हैं सावित्री बाई फूले के संघर्ष का? दिल चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हम समर्थन करते हैं। यदि आप समर्थन करते हैं तो सावित्री बाई फूले ने एक मंच बनाने जा रही है, एक राजनीतिक मंच बनाने जा रही है, जिस मंच का नाम होगा, मैं आपके सामने उसका अपने समय स्वागत चाहूंगा कि आप लोग स्वागत करिएगा। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मौका मिलेगा आपको, ये पार्टी का नाम रखा गया राजनीति संगठन, रुपया ये है कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बनने जा रही है। आप लोगों से मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके आप लोग समर्थन करिए, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी, ये कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बनने जा रही है। आज इस मंच से ये ऐलान करता हूँ, ये कांसीराम बहुजन समाज ये पार्टी बनने जा रही है, जिसका आप लोगों का मैं समर्थन करता हूँ। ये पूरा मिशन का काम करती है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सावित्रीबाई फूले जैसा हो, हमारी नेता कैसी हो, सावित्रीबाई फूले जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, सावित्रीबाई फूले जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, सावित्रीबाई फूले जैसी हो, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, हमें कंजराव मर रहे हैं, हमें कंजराव मर रहे हैं, हम तो पीछे आ जाइए। कांसीराम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सावित्री बाई फूले जिंदाबाद, अक्षय वरनाथ कनौजे जी जिंदाबाद, सावित्री बाई फूले जिंदाबाद, सावित्री बाई फूले जिंदाबाद, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कांसीराम समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांसीराम कांसीराम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
सावित्री बाई फुले जिंदाबाद। दीदी तुम संघर्ष करो, दीदी आप आगे बढ़ो, अच्छे वनत करुजे जी जिंदाबाद, अच्छे वनत करुजे जी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कांशीराम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कांशीराम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सावित्री बाई फूले जिंदाबाद।